दांत काट दें, पेपर कहां मिलेगा ना थी के बारे में तो लिया होने जा रहे भाई मामे तो कोई बेईमान नहीं, मैं तो सही हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र कोनी तो भी से कम भी कोनी भाई। सारा किसान परिवार से ही आपको कमावे, आपकी मेहनत करें, आपकी रोटी खावे है, तो थे मारो कहीं बिगाड़ छो भाई। ठीक देश मैं चूरुमा की निकलू ने जना थोड़ो सो यहां थोड़ो सो करंट मारूंगे त्यार ने बस जयपुर के मैं चिमके बिजली सी डूटा सो मेरे गेल पड़ रहे। मैं क्यों भाई जी, मैं तो ताने ठाऊ दिल्ली में विदा कर सा, राजस्थान में तो विदा कर लो, दिल्ली में राज में विदा कर। कत्ता रोड़ा फिर कत्ता धाप धाप पर बाइया होगी बा लाल डायरी आएगी बा पेपर लीक उगार मेकना कहा भाई पेपर लीक को नहीं हो यो ने 200 आदमी जेल में बैठे ही नहीं। वो बीजेपी को राज हो जना भी तो पेपर लीक हुआ, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री यार ए मंत्री आ जगह दिन भी तो पेपर लीक हुआ, 11 परीक्षा का पेपर हाईकोर्ट का आदेश से निरस्त हुआ ए को नहीं करता बने, एक में भी एक भी जेल गए हो गए आपा तो आजीवन कारावास की सजा को भी प्रावधान कर दियो कि जटा जीरो काम करें बाकी लिए काम करो। आज पेपर लीक कठे को नहीं हो रहा बताओ, हरियाणा पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र कुया को स्टेट बच रहे के, और केंद्र में रेलवे की नौकरी ही और कोई नौकरी ही तो बामे पेपर आउट को नहीं हो रहा के। अब वास्तव में सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है, बहुत ही गंभीर समस्या है कि जगह नौजवान अपना परीक्षा देवे मेहनत करे, आप लोग आपके बेटी बेटा ने भेजो पेट काटो जमीन के मायने मेहनत करो, और फिर अगर वे मेहनत कर 12 महीना बाद में परीक्षा देवे भी को पेपर आउट हो जावे तो बिकर बिकर परिवार के कत्ती दिल में के गुजरा वास्तव में पीड़ा की बात है। अब दांत काट वाली बात को नहीं, बीजेपी वाला दांत काट दे पेपर कहा मिलेगा ना थी के बारे में तो लिया होने जा रहे टावरन ठेकेदार क्यों बना रहा क्या फिर थे भी आ रहे सुना दो ये पेपर मिल रहा है जना है आके कथनीर करनी में फर्क है। आप लोगों ने समझ लू पड़सी, आपने गैलन देखो चूक हुई और क्या भी हुई चाहे बाप फूल की गलती से भी हुई आज भी बाद में बखान गरबा को टेम को नहीं, लेकिन आज आप अगर जते दिन कांग्रेस को विधायक हो तो ये राज का मजा चौगुणा आता, राज का मजा चौगुणा आता। आज मेरो जिसोरो हो मेरे कने मंगलाराम जी जाता जना ही कहता मैं आने कहतो मंगलाराम जी ओठा पांव लिया पकड़ लियो किसाना का पग पकड़ लियो नहीं भाई जी कर लो है काम है, मैंने कहता नहीं अब गला कौलो वे मैं क्यों ना पकड़ो। और आज मेरो जिसोरो हो थे सगड़ा ताजना बैठा दिखा नहीं क्योंकि ई उम्र के मायने एक किसान के बेटे ने पार्टी आला कमान राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी सगड़ा जना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, और आज एक किसान के बेटे ने मास्टर के बेटे ने अगर पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष 15 साल की राजनीति में बढ़ा दियो तो आज मेरो फर्ज बने कि मैं पग पकड़ू हाथ जोड़ू थाने समझाऊ ताकि सुनू थाके बीच में आऊं आ नेता ने थोड़ा ढीला ही जगह ने टाइट करूं और थाके बीच में भेजूं और आपा दोबारा 2023 में जोरदार कांग्रेस को निराश मिला। भाई जी मैं थाने सही कह रहा हूं, मीडिया ने तो मैनेज कर रहा ही क्यों है, संवैधानिक संस्था ने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने मैनेज कर रहा क्यों है, कोर्ट के बारे में भी चेष्टा कर रही है, समझा गए लोग दिवाली की तरह मना रहा काल पटाखा छोड़ रहा दिया जला रहा कि एक यहां को शेर जको 4000 किलोमीटर यात्रा करी और देश के लोगों की आवाज बने और बार लोकसभा के मायने उठा रहे हो भी लोकसभा में कोनी उठा पा दी, लेकिन वो आदमी आ गई कि मैं न झुकूंगा न मैं डरूंगा मैं मेरी आवाज देश के लोगों की उठाता रहूंगा और मुझे न्याय मिलेगा सत्य जीतेगा। और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब से कानून बने हो जब से लेर आज तक ई धारा के मायने 2 साल की सजा खोली हुई, आज 2 साल की सजा अगर एक दिन भी कम होती तो बा सपना पूरा को नहीं होता, बस सदस्यता लोकसभा की कोनी भेज सकता
कोली निकाल सकता, न बांको मकान छीन सकता। आज की तरीके से मैं करियो है 24 घंटा में, काल आपने खड़गे साहब की है कि भाई सदस्यता खताब खत्म करवा दो, थाने 24 घंटा लाग्या कोनी। अभी सदस्यता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में बहाल करवा में कता घंटा लेपा बताओ मान। आज साहब सुनगुआ ने ताला लाग गया मुंडे के, बोली कोनी आ रही। मणिपुर में काई हो रही है, अभी कहकर जवाब कोनी आ गया कने। मणिपुर में काई हो रही है, जवाब कोनी। बैंड बैठा की इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम गोली मारी जा रही है, बलात्कार करो जा रही है। देश को प्रधानमंत्री बारे विदेशा में घूम रहे है, लेकिन मणिपुर का नहीं मुंडो को नहीं कर रहे हो, मणिपुर का नहीं मुंडो को नहीं कर रहे हो। इससे ज्यादा कोई हो सकता है क्या, मैंने यहां बताओ। अपराध घट गया, बिल्कुल भाई अपराध नहीं घटना चाहिए, कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहते अपराध नहीं हो, लेकिन फिर भी अपराध हो ही जाता है। लेकिन अपराध होने के बाद में जो अच्छी सरकार होती है वो उस अपराधी को पकड़ करके जेल के सलाखों में भेजती है और कोर्ट से उसको सजा दिलाती है जिस धारा में जो जुर्म हुआ है। वो काम हम कर रहे हैं ना, आपकी तरह तो नहीं है, आप केंद्र सरकार की तरह बेशरम तो नहीं है। हम किसान के उस कानूनों का विरोध करने के कारण से, तीन काले कानूनों का, आपको पता होगा कि किसान के ऊपर से देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला करके, जीप चला करके किसान को मार दिया था। मारा था कि नहीं मारा था? आज भी वो वहां पर गृह राज्य मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट कह दियो कि भाई इन्हें जेल में घालो, नान्य ने जना भी नान्य ने जेल में घालियो, नहीं तो पुलिस आ कहती गए आ घटना हुई को नहीं। आप बताओ, सरे आम बेईमानी, सरे आम झूठ, सरे आम कत्ल, और भी कपे आरोप लगाओ तो भी ने छुट्टी दिलाता, भी संघ से के अध्यक्ष से, और बाकी जांच कराता कि थे बताओ किससे जांच करावा, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कोई आदमी, कोई भी बहन बेटी सड़क के ऊपर बैठ कर सार्वजनिक रूप से आप कह सकेंगे कि भाई मेरे साथ बलात्कार हुए, अन्याय हुए, बस जल्दी कहवे जल्द अंदर से बिल्कुल हिल जावे, और भी के सागे न्याय नहीं मिले बिने, और भी के सागे बार बार भी तरीके को व्यवहार और अपराध हुए, जना बिने सीनू तान कहू पड़े कि मेरे साथ अन्याय हो रही है, कि मेरे सागे न्याय करो। आखिर क्या क्या न्याय है मना बताओ? जत्ता देश का भ्रष्टाचार के मायने केस चाले, बस सगड़ा ने जत्ता भ्रष्टाचार का केस चाले, बाल सान के बीजेपी में आ जाओ के हरिश्चंद्र की औलाद हुई जैसे हो, के जोरदार मारगुलो ले है भाई है। भाई मामे तो कोई बेईमान नहीं, मैं तो सही हरिश्चंद्र कोनी तो भी से कम भी कोनी भाई। सारा किसान परिवार से ही आपको कमावे, आपकी मेहनत करें, आपकी रोटी खावे हैं, तो थे मारो कहीं बिगाड़ छो भाई ठीक।